નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો હું છું પંકજ અને મારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્ટડી વિથ પંકજ નાળિયામાં આપ સૌનું સ્વાગત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ આઠ પ્રથમ સત્રના પહેલાં પ્રકરણની વાત કરીશું જે કવિતા છે તેરી હે જમીન તો શરૂ કરીએ આજની આ વિડીયો ધોરણ આઠમાં પ્રથમ પ્રકરણ આપણું જે છે તે છે तेरी है जमी कविता तो प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया अर्थात कि इस कविता के अंदर हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं हम ईश्वर ने हमें या इस सृष्टि के सर्जनहार ने हमें जो कुछ दिया है उसके लिए उसका आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ हम ईश्वर ही सर्वोपरि है सर्वशक्तिमान है इस बात को स्वीकार करते हैं इस तरह का भाव इस कविता के अंदर इस प्रार्थना गीत के अंदर दिया हुआ है विद्यार्थी मित्रों यदि यह गीत आपको सुनना है तो आप यूट्यूब से तेरी है जमी इस तरह का सर्च करके सुन सकते हैं फिलहाल हम इस कविता का गान नहीं करेंगे केवल पठन करेंगे और उसका सारांश समझेंगे कविता का पठन करते हैं तेरी है जमीन तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर तेरी है जमीन तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर तेरी मर्जी से ऐ मालिक हम इस दुनिया में आए हैं तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जा पाए है तो अपनी नज़र हम पर रखना किस हाल में है ये खबर रखना तेरी है जमीं तेरा आसमां तो बड़ा मेहरबा तो बख्शिश कर तू चाहे तो हमें रखे तू चाहे तो हमें मारे तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे और सबसे बड़ी ताकत वाले तू चाहे तो हराफट टाले तेरी है जमीं तेरा आसमां तो बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर तो इस तरह से बहुत ही सुंदर कविता है ये और उसका भाव इससे भी सुंदर है इस कविता के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और ईश्वर के प्रति इस सृष्टि के सर्जरहार के प्रति इस कुदरत के निर्माता के प्रति हमारा कृतज्ञ भाव प्रकट किया गया है इसका सारांश समझते हैं तेरी है जमीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर तो बख्शिश शब्द का अर्थ यहाँ पर देखते हैं कि बक्शिश का अर्थ क्या होता है बक्सिश का अर्थ होता है पेट या तो उपहार लेकिन यहाँ पर क्षमा करना भी है इसके अलावा भी कुछ शब्द है जैसे कि मालिक यानी स्वामी और ईश्वर रहमत यानी कृपा आफत यानि मुश्किल या तो संकट और मेहरबा यानी कृपालु दयालु इसके बाद है जॉँ और जिस्म, जिस्म यानी शरीर और जाँ यानी प्राण तो यहाँ पर जो पहली पंक्तियाँ है तेरी है जमीन तेरा आसमान इसका मतलब है कि हे खुदा है ईश्वर ये जो ज़मीन तेरी ज़मीन है ये भी तेरी है और आसमान भी तेरा है तू बड़ा मेहरबान है तू बख्शिश कर यानी तू बड़ा कृपालु है दयालु है तू हम पर बख्शिश कर हमें क्षमा कर हमने बहुत सारी गलतियाँ की होगी लेकिन तू बड़े दिल वाला है नीली छतरी वाला है तू हम पर रहमत कर हम पर कृपा कर और हमें माफ़ कर सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर और बहुत बड़ी बात की है कि सभी का है तू सभी तेरे ईश्वर सबका होता है वो किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं होता किसी एक की संपत्ति नहीं होता हर कोई ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं चाहे उसे खुदा के नाम से पुकारे चाहे गॉड तो ईश्वर सबका होता है और सारी 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 सारे इंसाने सारी कायनात सारी दुनिया सारे जीव जंतु पशु ये सब कुछ ईश्वर के हैं खुदा मेरे तू बख्शिस कर और इसीलिए कहा है कि हे ईश्वर हे मेरे खुदा तू तो हम क्षमा कर हमें माफ कर और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख आगे कहा है कि तेरी मर्जी से अ मालिक हम इस दुनिया में आए हैं ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर की कृपा के बगैर दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता इसीलिए कवि ने कहा है कि तेरी मर्जी से अ मालिक मालिक का मतलब यहाँ पर ईश्वर सबसे बड़ी ताकत वाला कि तेरी मर्ज़ी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं उसकी मर्जी हुई तब हम इस दुनिया में आए हैं और तेरी ही रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं उसकी रहमत रहमत का मतलब है कि कृपा उसकी कृपा से हम सब ने ये शरीर और ये प्राण पाए हैं मतलब कि ये सब कुछ उसकी देन है हमारा कुछ नहीं है ये सब कुछ देने वाला सबसे बड़ी ताकत वाला सर्जनहार ईश्वर है तो अपनी नज़र हम पर रखना आगे कवि कहते हैं कि तू तो अपनी नज़र हम पर रखना अर्थात कि तू तो अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना तो अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखा और हम किस हाल में हैं ये खबर भी रखना यानी कि हम हमारे बारे में तू तो ख्याल भी रखना हम किस हाल में जी रहे हैं उसके बारे में तो ख्याल रखना इसका तात्पर्य है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि तू अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना और हमारे बारे में सोचना हमें सुरक्षित रखना तेरी है जमीन तेरा आसमां तू बड़ा मेहर बा तू बख्शीस कर तू हमें क्षमा कर आगे के अंतर में कवि कहते हैं कि तू चाहे तो हमें रखे तू चाहे तो हमें मारे वो तो सबसे बड़ी ताकत वाला है ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है उससे ज़्यादा शक्तिशाली शक्तिमान कोई हो ही नहीं सकता मनुष्य तुच्छ है पामर है तो इसीलिए कवि ने कहा है कि तू चाहे तो हमें रखे हे ईश्वर हे सर्वशक्तिमान हे दाता यदि तू चाहे तो हमें रखे और तू चाहे तो हमें मारे ये सब कुछ तेरे हाथ में है तो जो चाहे वो कर सकता है तो हमें जिंदा भी रख सकता है और तू यदि चाहे तो हमें मार भी सकता है और इसीलिए इंसान तुच्छ है पामर है उसके आगे ईश्वर के आगे इंसान की कोई औकात नहीं है और इसीलिए हम तेरे आगे सर झुका के खड़े हैं और कभी इसीलिए कहते हैं कि तू सबसे सब बड़ी ताकत वाला है तू चाहे तो हर आफत टाले तू जो चाहे कर सकता है तो आने वाली हर मुसीबत को मिटा सकता है और यदि तू चाहे तो मुसीबतें पैदा करके हमें मार भी सकता है तू चाहे तो हमें ज़िंदा भी रख सकता है और इसीलिए तुझे सबसे बड़ी ताकत वाला कहा जाता है तो इस पंक्तियों में कभी यही कहना चाहता है और ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार करते हैं हम कुछ नहीं कर सकते जब ईश्वर कुछ करना चाहे उसके आगे हम तुच्छ होते हैं जैसे कि आजकल की यहाँ पर हम जान रहे हैं कि कोरोना महामारी चल रही है तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है उसकी दवाइयाँ ढूंढने के लिए बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं लेकिन फिर भी हम नहीं कर सकते तो ये सब कुछ उसी का किया कराया होता है वो चाहे तो मुसीबतें पैदा कर सकता है वो चाहे तो मुसीबतें दूर कर सकता है आफत देना आफत टालना ये सब कुछ उसके हाथ है इसीलिए तू चाहे तो हमें रखे तू चाहे तो हमें मारे तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे हम सब केवल सर झुका कर नतमस्तक होकर तुम्हें प्रार्थना कर सकता है सकते हैं तू चाहे तो हमें रखे या तू चाहे तो हमें मारे ये सब कुछ तेरे हाथ में है और इसीलिए वो सबसे बड़ी ताकत वाले तो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना तेरी है जमीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश करी सारी दुनिया ये जमीन ये पानी हवा आसमां नदियाँ पर्वत ये सब कुछ तुम्हारा है हम कुछ नहीं कर सकते और इस कविता के जरिए हमें ये संदेश भी मिलता है कि सब कुछ उसका बनाया हुआ है वो चाहे वो कर सकता है तो हमें छोटी छोटी बातों पर सीमाओं के विवाद में रहकर झगड़ना नहीं चाहिए एक दूसरे के साथ बैर भाव नहीं रखना चाहिए तो इस तरह से कुछ इस कविता का सारांश होगा शब्दार्थ हमने पहले ही देख लिए हैं देखते है अभ्यास पहला प्रश्न है यह प्रार्थना छात्र को टैप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका समूह गान करवाइए तो ये आपको मोबाइल के जरिए आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे कविता का शीर्षक सर्च करके आप उसको गान सुन सकते हैं उसका वीडियो भी देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो आपके मत से पहला प्रश्न आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों है तो भाई हमने कविता में अभी इसका सारांश में देखा कि स्वर सृष्टि में सर्वोपरि होता है उसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है लेकिन वही सर्वोपरि है सर्वशक्ति माने क्यों क्योंकि वो जो चाहे कर सकता है वो मुसीबतें पैदा कर सकता है वो मुसीबतें टाल सकता है वो हमें जिंदा रख सकता है और वो चाहे तो हमें मार सकता है इसीलिए सृष्टि में केवल ईश्वर ही सर्वोपरि होता है प्रश्न दो आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं इस प्रश्न का उत्तर छात्र विद्यार्थी अपने आप लिख सकते हैं वो जो प्रार्थना करते हैं वही लिखना है प्रश्न तीन आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों तो इसका उत्तर भी हर एक विद्यार्थी का हर एक छात्र का अलग अलग हो सकता है कोई सुबह प्रार्थना करता होगा कोई शाम को और कोई करता भी नहीं होगा कोई दोपहर को करता होगा कोई जब मुसीबत में होता होगा तब करता होगा और आप उस समय क्यों करते उसका उत्तर भी हर एक छात्र का अलग अलग हो सकता है प्रश्न चार भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा देश अलग अलग धर्म के लोगों से भरा हुआ है फिर भी एक है तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं तो हिंदू जो होते हैं वो मंदिरों में जाते हैं मुसलमान मस्जिद में जाते हैं क्रिश्चियन या ईसाई जो होते हैं वो चर्च में जाते हैं सिख गुरुद्वारे में जाते हैं पारसी धर्म के लोग जो होते हैं वो अग्न में जाते हैं तो इस तरह से अलग अलग धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए अलग अलग धर्म स्थान में जाते हैं प्रश्न तीन निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार लिखिए तो यहाँ बहुत सारे शब्द दिए हुए उनको हमें क्रोस के क्रम में लिखना है ओके okay? तो शब्द कुछ इस प्रकार है हृदय मनुष्य सुख शांति मित्र डॉक्टर दृष्टि योद्धा श्रृंखला नाविक और धन क्षमता उज्जवल मंदिर दूध स्वर और धरा तो बहुत सारे शब्द है इसे आपको शब्दक्रोश के अनुसार लिखना है तो ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले स्वर आते हैं अ आ ई ई ऊ अम इस तरह से और उसके पश्चात व्यंजन आते हैं क से लेकर ग्य तक लेकिन ध्यान ये रखना है कि कुछ जो वर्णाक्षर होते हैं जो कुछ वर्ण होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं यानी संयुक्त वर्ण होते हैं जैसे कि क्ष तो वो क और श से मिलकर बना होता है और ज्ञ भी उसी तरह बना होता है ज और ज्ञ से बनकर तो उसका ध्यान हमें रखना होता है तो ये जो शब्द है वो शब्द उसके क्रम अनुसार इस तरह से आएंगे कुछ सबसे पहले आएगा उज्जवल, उसके बाद और क्षमता डॉक्टर दृष्टि दूध, धन धरा नाविक मनुष्य मंदिर मित्र मित्र के बाद आएगा योद्धा फिर शांति उसके बाद आएगा आ, स्वर सुख और हृदय श्रृंखला शब्द छूट जाता है वो स्वर से पहले आ जाएगा ओके तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न चार इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए यहां पर सूरज का एक चित्र दिया हुआ है और आपको एक छोटी सी कविता बनानी है जैसे कि हर रत सुबह आता सूरज मन को बहुत लुभाता सूरज गर्मी हमको देता सूरज उजाला भी देता सूरज इस प्रकार से आपको एक छोटी सी कविता अपने आप बनानी है ये छात्रों विद्यार्थी मित्रों आपको खुद बनानी है उसके बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं वचन बदल बदल कर वाक्य फिर से लिखिए वचन बदलना मतलब कि एक वचन का बहुवचन करना है और बहुवचन का एक वचन करना है पहला वाक्य है मैंने कविता लिखी तो इसका बहुवचन करना है हमने कविताएं लिखी या हमने कविता लिखी भी चल सकता है दूसरा है यह मेरी किताब है यहां यह का बहुवचन ये होता है खास ध्यान रखिए मित्रों ये यह, यह का होता है ये ये हमारी किताबें है, है कि ऊपर बिंदी आएगी इसे लड्डू दे दो तो इसे शब्द का बहुवचन जो होता है वो इन्हें होता है इन्हें लड्डू दे दो इस प्रकार से कुछ होगा स्वाध्याय देखते हैं निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं तो हमने कविता के सारांश में देखा कि कवि ईश्वर से चाहते हैं कि वो अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखें और हम किस हाल में है उसके बारे में ध्यान रखें और हमारी मदद करें हमें खुशहाल रखे ओके okay? तो कवि ईश्वर से यही चाहते हैं तो अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं प्रश्न दो तो इसके अंदर कहा है कि तू अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा क्यों कवि कहते हैं तो कवि इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि आज चारों ओर जुल्म है लाचारी है बेबसी है और अत्याचार बढ़ रहे और ईश्वर सबसे बड़ी ताकत वाला है वो जो कह, चाहे वो कर सकता है वही हमें मार सकता है वही बिटा सकता है वही हमें जिंदा भी रख सकता है इसीलिए कवि ने सर्वोपरि ईश्वर से प्रार्थना की है कि तू अपनी नज़र अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना ताकि हमें खुशियाँ मिले हम आराम से खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सके प्रश्न तीन कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों बहुत ही सरल प्रश्न है तो कवि ईश्वर को सबसे बड़ा ताकत वाला मानते हैं क्योंकि वही सबसे सर्वोपरि है वो जो चाहे वो कर सकता है वो जो चाहे वो बना सकता है मिटा सकता है और सब कुछ उसकी ताकत के अंदर आता है वो जो चाहे वो बना सकता है वो चाहे तो हमें मार सकता है चाहे तो हमें ज़िंदा कर सकता है इसीलिए वो सबसे बड़ी ताकत वाला है कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर खुद शब्द नहीं आएगा खुदा आएगा तो कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं तो कवि खुदा से यही कहना चाहते हैं कि तू सबसे बड़ी ताकत वाला है तो हम पर अपनी कृपा दृष्टि अपनी नज़र बनाए रखना और हमें क्षमा करना तो इस तरह से कुछ प्रश्न है इसके बाद दूसरा प्रश्न स्वाध्याय का दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। हे ईश्वर तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं। चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना तो ये जो भाव वाली काव्य पंक्तियाँ हैं वो कौन सी है तो आप कविता में देख सकते हैं तेरी रहमत से हम सब ने ये जिसमों जा पाए है तो अपनी नज़र हम पर रखना किस हाल में है ये खबर रखना ये चार पंक्तियाँ आएगी उसके बाद है हे प्रभु ये सारा संसार तेरा है तू बड़ा दयालु है तो हम पर अपनी दया दृष्टि रखना तो सभी का है तू सभी तेरे इस प्रकार की जो पंक्तियाँ हैं तेरी है जमी तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर सभी का है तू सभी मेरे सभी तेरे खुदा मेरे तू बखीस कर तो ये चारों पंक्ति आप लिख सकते हैं इसके भाव में कि हे प्रभु ये सारा संसार तेरा है है तो बड़ा दयालु तो हम पर अपनी दया दृष्टि रखना प्रश्न तीन अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए मेरी प्यारी प्यारी गाय घर की राज दुलारी गाय तो यहाँ पर इस कविता को आपको आगे बढ़ाना है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं और कविता को आगे बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से तो मेरी प्यारी प्यारी गाय घर की रात दुलारी गाय हमको दूध देती गाय मन को बहुत भाती गाय मेरी प्यारी प्यारी गाय घर की रात दुलारी गाय तो इस प्रकार से आपको एक छोटी सी कविता बढ़ानी है प्रश्न चार है यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थनाएं सुनी होंगी तो ऐसी ही कोई और प्रार्थना लिखो जो कि किसी फिल्म में हो तो बहुत सारी फिल्मों में प्रार्थनाएं है भी हैं पुरानी फिल्मों में तो इसे आप YouTube पर सर्च करके लिख सकते हो बहुत सारे गीत हैं उसे आपको ढूंढना है प्रश्न पाँच है इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए यानी कि इसका अनुवाद अपनी मातृभाषा में करना है कविता का पूरी कविता का मातृभाषा में अनुवाद करना है तो हम देखते हैं तेरी है जमीन तेरा आसमां तो बड़ा मेहरबा तो बख्शिश कर तो तारी छे ज़मीन तारु छे आसमान तो सौथी मेहरबान तू क्षमा कर सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शीश कर बधा नो तू बधाज तारा खुदा मारा तू क्षमा कर तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं तारी इच्छा थी तारी मर्जी थी हमें आ दुनिया में आया चाहिए तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मों जा पाए हैं तारी कृपा थी हमें बधाये आ शरीर ने प्राण प्राप्त छे तो अपनी नजर हम पर रखना किस हाल में है ये खबर रखना तू तो तारी कृपा दृष्टि ऊपर पर रखे अने क्या हाल में जीविए ध्यान जे तारू छे तारी छे जमीन तारू आसमान तू तो सौ मोटो मेहरबा तू तो क्षमा कर तू चाहे तो हमें रखे तू चाहे तो हमें मारे तू इच्छे तो हमने जीवता रखे तू इच्छे तो हमने मारी दे तेरे आगे झुका के सर खड़े है आज हम सारे તારી આગળ મસ્તક નમાવીને અમે બદાજ ઉભા છીએ ઓ સૌથી બડી તાકત વાલે સૌથી મોટી શક્તિશાળી સૌથી વધારે શક્તિશાળી તું ચાહે તો હરા ફટાળે તું ઈચ્છે તો બધી જ મુસીબતો ટાળી શકે છે તારું છે જમીન તારી છે જમીન તારું આસમાન તું સૌથી મોટો સૌથી મોટો માહેરબા તું બક્ષીસ કર તો કુછ ઇસ તરહ સે આપકો ઇસકા ગુજરાતી માતૃભાષા મે અનુવાદ karna hai तो यहाँ तक ये यह वीडियो रखते पाठ एक ये जो हमारी कविता है उसकी जो भाषा सज्जता है उसका वीडियो हम दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो विद्यार्थी मित्रों तमने आ वीडियो केवी लगी तो कॉमेंट बॉक्स में जो और वीडियो गमी हो तो लाइक करजो मित्रों साथ शेयर करजो અને તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો જેથી કરીને તમને અંગ્રેજી હિન્દી સંસ્કૃત વગેરે જેવી ભાષાઓના શીખવા માટેના વિડીયોઝ મળતા રહે એની અપડેટ મળતી રહે તો મળીએ એક નવી વિડીયો સાથે ત્યાં સુધી આવજો